जोहर आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा में दक्षता आधारित मूल्यांकन के महत्व और राष्ट्रीय सर्वेक्षण परख के विषय में परख जैसा कि आप सभी जानते हैं यह राष्ट्रीय स्तर का सर्वेक्षण है जो इस सत्र के लिए चार दिसंबर 2024 को एक साथ पूरे राज्य में होगा राज्य शासन की मंशा है कि परख का शत प्रतिशत सफलतापूर्वक संचालन हो और हमारे शैक्षिक गुणवत्ता में भी वृद्धि हो ये हम सब की आशा है हमारे सचिव महोदय का भी यही निर्देश है इसलिए हम एक इस तरह से एक ऐसा वीडियो बनाकर आप सभी की ओर भेज रहे हैं जिसमें शिक्षकों की क्या भूमिका है प्रधान पाठकों की क्या भूमिका है एफआई का रोल क्या है कितने तरह के प्रपत्र भरे जाएंगे इसको विस्तार से हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया है इस वीडियो को आप गंभीरता से देखें परखें समझें और इसका फायदा उठाएं, जिससे आपको सर्वेक्षण कराने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो आप सभी को मैं फिर से शुभकामना देता हूँ कि इस वीडियो का आप बेहतरीन ढंग से आप इसका लाभ उठाएंगे और राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 को अपने कार्य क्षेत्र में चाहे वो विकास खंड हो संकुल हो शाला हो उत्कृष्ट ढंग से इसका संपादन करेंगे हमारी इस तेज़ी से बदलती दुनिया में विद्यार्थियों की शैक्षिक यात्रा के दौरान उनके ज्ञान और कौशल का मापन करना आवश्यक है कक्षा छठवीं कक्षा तीसरी और कक्षा नौवीं के लिए परख एक महत्वपूर्ण पहल है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण लक्ष्यों के साथ संरेखित है वर्ष 2001 से एनसीईआरटी के द्वारा स्कूली शिक्षा की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी उपलब्धि सर्वेक्षण आयोजित कर रहा है जिसे शुरुआत में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता था अब यह परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण दो के रूप में विकसित हो रहा है यह मूल्यांकन एन के अंतर्गत स्थित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख द्वारा प्रबंधित एक व्यापक मूल्यांकन है पिछले राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जिसे हम नैश के नाम से जानते हैं की तरह परख भी स्कूलों का समग्र इकाई के रूप में मूल्यांकन करता है जिसमें शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त स्कूलों सहित जिले में शिक्षा प्रणाली के समग्र स्वास्थ्य पर जोर दिया जाता है हाँ सभी को नमस्कार और जैसे कि आपको पता है कि परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण जो है वो पूरे देश के सभी राज्यों में सभी ज़िलों में एक साथ चार दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है अगर इसका जो उद्देश्य है ये क्यों किया जा रहा है तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें अपने राज्य के हमारे हमें अपने ज़िले के बच्चों का स्तर क्या है दक्षता आधारित स्तर जानने के लिए यह सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है ताकि हम आगे चलकर इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट के आधार पर इस पर काम कर सकें यानी कि ये कि ये एजुकेशनल हेल्थ को जानने के लिए ये सर्वे कार्य किया जा रहा है <coughs> ये जो सर्वे कार्य है पूरी कक्षाओं में एक साथ नहीं हो रहा है ये जो कक्षाएं हैं वो अनुसार ली गई है यानी फाउंडेशनल स्तर प्रिपरेटरी स्तर और मिडिल स्कूल फाउंडेशनल स्तर में कक्षा वन और टू की दक्षताएं आएंगी प्रिपरीटरी स्तर पर तीन और पाँच की दक्षताएं हैं और मिडिल स्कूल पर सिक्स टू एट क्लास की दक्षता आएंगी। परंतु इसमें फाउंडेशनल स्तर में कक्षा तीसरी के बच्चे शामिल होंगे प्रिपरीटरी स्तर में कक्षा छठवीं के बच्चे शामिल होंगे और मिडिल स्कूल में कक्षा नवी के बच्चे शामिल होंगे तो ये जो है वो कक्षावार न होकर इस अनुसार किया जा रहा है सर्वे ये जो सर्वे है उसके लिए प्रश्न पत्र जो होंगे वो प्रश्न पत्र हमें परख से प्राप्त होंगे कक्षावार प्रश्न पत्र प्राप्त होंगे और एक ही बुकलेट में सभी विषय होंगे तो जो बुकलेट है प्रत्येक बच्चे को एक बुकलेट दे दी जाएगी इस बुकलेट में सभी विषय एक ही बुकलेट में होंगे कक्षा तीसरी में जो विषय होंगे वो भाषा गणित और हमारे आसपास की दुनिया होगी छठवीं में वही सब्जेक्ट होंगे भाषा गणित और हमारे आसपास की दुनिया और कक्षा नौवीं में जो होंगे चार सब्जेक्ट होंगे भाषा गणित सामाजिक विज्ञान और विज्ञान इसमें प्रश्नों की संख्या जो होगी वो अलग अलग होगी कक्षा तीसरी में 45 प्रश्न दिए गए हैं यानी प्रत्येक विषय के लिए पंद्रह पंद्रह प्रश्न होंगे उसी तरह कक्षा छठवीं में इंक्यावन प्रश्न होंगे तो पहले भाषा में पंद्रह प्रश्न होंगे और गणित में अट्ठारह प्रश्न और हमारे आसपास की दुनिया में अठारह प्रश्न होंगे नवी की बात करें तो यद्यपि इसमें चार विषय हैं परंतु कोई भी तीन विषय ही इस प्रश्न पत्र में दिए जाएंगे जिसमें प्रत्येक विषय में हमें बीस बीस क्वेश्चन बनाने होंगे ये सभी क्वेश्चन जो होंगे वो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और ओ एम आर सीट का हमें उपयोग करना होगा ओ एम आर सीट जो होगी वो छठवीं और नवी के बच्चे स्वयं भरेंगे परंतु तीसरी के जो बच्चे हैं वो अपने बुकलेट पे ही सही विकल्प पर गोला लगाएंगे और एफ जो है पूरा जब सर्वे काम पूरा हो जाएगा तो सर्वे कार्य पूरा होने के पश्चात एफ जो है बुकलेट से ओ एम आर सीट में आंसर को ट्रांसफ़र करेगा तो ये यहाँ का मुख्य काम यहाँ पर एफ़ का होगा कि बहुत ही सावधानी से बुकलेट से ट्रांसफ़र ओ एम आर सीट में करें इसके अलावा भी तीन और बुक तीन और बुकलेट होंगी जिसको कहते हैं विद्यार्थी प्रश्नावली जिसमें विद्यार्थियों के पृष्ठभूमि से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे जो प्रत्येक विद्यार्थी से पूछ पूछ कर एफ भरेगा कक्षा तीसरी में एफ जो है हर विद्यार्थी को इंडिविजुअल प्रश्न पूछेगा कक्षा छठवीं और कक्षा नवी में एफ जो है पूरा रीड करेगा प्रश्नों को और बच्चे जो है ओ में गोला लगाएंगे तो इस तरह से तीन प्रश्नावलियाँ और होंगी विद्यार्थी प्रश्नावली उसी तरह टीचर प्रश्नावली होगी यानी जो टीचर जिस विषय को पढ़ाते हैं वही टीचर उस प्रश्नावली को भरेगा यदि किसी स्कूल में कोई टीचर भाषा और गणित पढ़ाता है तो एक ही टीचर जो है वो प्रश्नावली को भरेगा इसी तरह अगर नवमी की बात करें तो जो शिक्षक मान लो विज्ञान पढ़ा रहा है तो विज्ञान की प्रश्नावली भरेगा अगर वो सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा है तो सामाजिक विज्ञान की प्रश्नावली भरेगा तो ये होगा टीचर क्वेश्चन आया एक और क्वेश्चन आयर होता है वो है विद्यालय क्वेश्चन आयर ये जो स्कूल का जो प्रधान पाठक होता है यदि मान लो प्रधान पाठक नहीं है तो वहाँ का जो सीनियर होगा जो सीनियर टीचर होगा वो अपने विद्यालय की जानकारी को इसमें फिलअप करेगा आ, सर्वे कार्य के लिए कक्षा तीसरी और कक्षा छठवीं के लिए नब्बे नब्बे मिनट का समय दिया गया है और कक्षा नौवीं के लिए 120 मिनट का समय निर्धारित है परंतु हम थोड़ा सा इस पर फ्लैक्बल रह सकते हैं अगर 10 मिनट 15 मिनट बीस मिनट तक के भी इसको आ, आगे बढ़ा सकते हैं सर्वे के उपरांत आ, जो बच्चे हैं अगर उनका काम हो जाता है तो उन्हें घर जाने दीजिएगा परंतु जब तक कि आपका काम पूरा नहीं होता है तब तक आपको स्कूल में ही रहना होगा और काम पूरा करने के पश्चात ही आ, आप वहाँ से जा सकते हैं सर्वे के बाद जो काम होगा वो कौन सा होगा आपका प्रश्नावली भरने का काम होगा तो प्रश्नावली भरते तक के आपको बच्चों को रोकना नहीं है सर्वे के उपरांत बच्चों को जाने दीजिए और बाकी समय आप अपना कार्य करें ये जो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण है वो भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है और इसमें परख और एनसीईआरटी मिलकर कार्य कर रही है और राज्य स्तर पर अगर हम देखें तो राज्य स्तर पर दो संस्थाएं पैरलर काम कर रही है एक तो है स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर जिसमें एसपीडी या जिसे हम समग्र शिक्षा कहते हैं और दूसरा है स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर ये भी स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर है परंतु ये एस है तो इस तरह से राज्य स्तर पर दो संस्थाएँ काम कर रही हैं एक समग्र शिक्षा और दूसरा है एस जिला स्तर पर हम जाएँ तो जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर है और डीओ और प्रिंसिपल डाइट ये तीनों मिलकर अपने अपने जिले के लिए सर्वे का सर्वे का क्रियान्वयन करेंगे डिस्टिक में जो होंगे उसके पश्चात जो होंगे डिस्ट्रिक्ट में वो होगा एफआई जो कि आप लोग बन रहे हैं जिसका चयन जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर अर्थात डाइट प्राचार्य के द्वारा जो जिलों के लिए समन्वय स्थापित किया गया है जिला स्तरीय जो कोऑर्डिनेटर है वो आप लोगों का चयन करेंगे अब इसके अलावा अगर हम और देखें तो एक और पैरलर संस्था होगी वो होगी सी बी एस सी तो सी बी एस सी ने पूरे आ, नेशनल लेवल के जो ऑब्जर्वर होंगे तो हमारे राज्य के लिए आ, जो भुवनेश्वर के जो होंगे भुवनेश्वर से हमारे राज्य के लिए नेशनल लेवल के ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं इसके अलावा हर आ, हर डिस्ट्रिक्ट में सीबीएसई के द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर जो है अपने अपने ज़िले के लिए स्कूलों की संख्या के अनुसार ऑब्जर्वर को नियुक्त करेंगे तो ये जो ऑब्जर्वर होंगे उसका जो मुख्य कार्य है सर्वे के दिन पेपर को स्कूल तक पहुंचाना, चयनित शाला तक पहुंचाना, पूरे समय एफ के साथ रहना और परीक्षा समाप्त होने के पश्चात पूरा मटेरियल लेकर एफ से लेकर फिर से जो सी का जो सेंटर है वहां तक के लाना ये मुख्य रूप से हमारे ऑब्जर्वर और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर होंगे जो कि सी के हैं उनका ये मुख्य कार्य है जी मैडम आपने जैसा बताया कि एफ की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है तो आइए हम जानते हैं कि उनकी क्या क्या भूमिका है और क्या क्या दायित्व हैं लेकिन उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर होते हैं ये कौन लोग होते हैं और इनका चयन कैसे किया जाता है तो सबसे पहले डाइट के जो विद्यार्थी होते हैं जो डाइट में पढ़ रहे होते हैं उनका हम चयन करते हैं फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में अगर उनकी संख्या कम होती है तो हम गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो बीएड और एमएड के स्टूडेंट्स हैं उनका चयन करते हैं यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बीएड और एमएड के स्टूडेंट्स हैं उनमें विभागीय शिक्षक नहीं होने चाहिए तीसरा अगर हम फिर भी संख्या कम होती है तो हम प्राइवेट कॉलेज के बीएड और एमएड स्टूडेंट्स से ये एफआई का चयन करते हैं फिर भी अगर संख्या कम हो जाती है तो ऐसे शिक्षकों का चयन करते हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं उसके बाद भी अगर संख्या कम होती है तो कॉलेजेस से जो स्नातकोत्तर के विद्यार्थी हैं पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं उन विद्यार्थियों का हम चयन करते हैं फिर भी अगर संख्या कम हुई तो ऐसी स्थिति में कक्षा ग्यारहवीं के छात्रों का चयन करते हैं और अंततः जो शिक्षक स्कूल में कार्यरत नहीं हैं और प्रशिक्षित हैं उनका हम एफ के रूप में चयन करते हैं तो इस तरह से एफ का चयन किया जा चुका है और आज का यह प्रशिक्षण आज का यह वीडियो उन्हीं पर केंद्रित है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं उस पर उस पर एक विस्तृत चर्चा करें आ, जैसे कि सर ने अभी बताया है कि एफ कौन हो सकते हैं एफ़ आई के चयन होने के पश्चात आपको पूरे समय अपने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ सतत सतत रूप से संपर्क करना होगा अब आपकी जो भूमिका है वो तीन प्रकार की होगी सर्वे के पूर्व सर्वे कार्य के पूर्व सर्वे के दौरान और सर्वे कार्य के पश्चात तो सर्वे के पूर्व आपको ये करना है कि सर एक दिन पहले अगर बहुत दूर दराज में अगर आपको सैंपल स्कूल मिला हुआ है तो एक दिन पहले आप वहाँ पर पहुँच जाइए उसके पश्चात आ, सर्वे के दिन आपको आ, इस्कूल स्कूल लगभग दस बजे खुलेगी और सर्वे कार्य आपका ग्यारह बजे होगा तो आपको दस बजे वहाँ स्कूल में पहुँच जाना है वहाँ के प्रधान पाठक को अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाना है और उनसे अपनी बात करके उनसे जो रजिस्टर है उसे आपको ले लेना है और सैंपल चयन करना है यदि आपके यहाँ सैंपल चयन दो प्रकार से होगा एक कक्षा का कक्षा का और दूसरा होगा विद्यार्थी का जैसे कि सर ने भी आपको बताया ही होगा कि अगर कक्षा का सैंपल चयन उसी स्थिति में किया जाएगा जहां पर एक से अधिक सेक्शन हो और विद्यार्थियों का सैंपल चयन भी उसी स्थिति में किया जाएगा जहां पर तीस से अधिक बच्चे हों तो आपको रजिस्टर के अनुसार ही सैंपल चयन करना है आप ये मत देखिए कि कौन सा बच्चा अनुपस्थित है या कौन सा उपस्थित है आप पहले रजिस्टर के आधार पर ही सैंपल आपको चयन करना है सर्वे के दिन आपको आ, कक्षा में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको पहले विद्यार्थियों के साथ बच्चों के साथ थोड़ा सा मधुर संबंध स्थापित करना होगा चाहे तो आप छोटी सी गतिविधि करा सकते हो छोटी सी स्टोरी सुना सकते या फिर वातावरण को आप बहुत ही आ, आ, तनाव रहित बनाने के लिए आप बच्चों के साथ कुछ भी कार्य को छोटी मोटी गतिविधि करा सकते ताकि बच्चे जो है वो सहज हो सके आपको बैठक व्यवस्था करनी है बैठक व्यवस्था इस तरह से करनी है कि छः मैंने पहले ही बताया है कि तीसरी में छः बुकलेट छठवीं में छः बुकलेट और आठ और नौवीं में जो है वो आठ बुकलेट है तो व्यवस्था बैठक व्यवस्था इस तरह से करनी है कि कोई भी बच्चे के पास दो बुकलेट जो है वो एक ही बच्चे पास पास ना आए ताकि नकल की जो संभावना है वह कम हो सके तो बैठक व्यवस्था आपको सुनिश्चित करना है अच्छे से बैठक व्यवस्था सुनिश्चित होने के पश्चात आपको जो सील बंद पैकेट मिलेगा वो आपका ऑब्जर्वर आपकी कक्षा में लेकर आएगा उसे आपको अच्छी तरह से देखना है कि वो पूरी तरह सील पैक है या नहीं है यदि मान लो सपोज अगर सील अगर टूटी हुई है तब आपको अपने डीएलसी को तुरंत बताना होगा कि इस पेपर के पैकेट की सील टूटी हुई है और इसका उल्लेख जो आपको कंट्रोल सीट मिलेगी उसमें भी आपको करना होगा सैम्पलिंग और सेक्शन का चयन करने के बाद कंट्रोल शीट कैसे भरना है ये बहुत महत्वपूर्ण है आप कंट्रोल शीट भरें इसको किस प्रकार से भरा जाएगा ये हम आगे बताएंगे आपको उसके बाद आप छात्रों को टेस्ट बुकलेट का वितरण करें बैठक व्यवस्था के अनुसार सेट के अनुसार और ग्रेड के अनुसार जिस कक्षा के जो छात्र हैं उसी कक्षा में उस टेस्ट बुकलेट का वितरण करें टेस्ट बुकलेट का वितरण करने के पश्चात एफ ये बहुत ध्यानपूर्वक जो निर्देश दिए गए हैं टेस्ट बुकलेट में उसको पढ़ें और समझें और उसके बाद जो टेस्ट बुकलेट में जो प्रश्न हैं तो छात्रों को पूर्ण अच्छे से निर्देशित करें कि वे अपना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें चुपचाप पढ़ें ज़्यादा शोर ना करें और उसके पश्चात कक्षा तीसरी के जो विद्यार्थी हैं उनको विशेष निर्देश दें कि प्रश्नों का उत्तर टेस्ट बुकलेट में किस प्रकार अंकित किया जाना है यहाँ बहुत ही सावधानीपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है आ, जैसे कि आपको पता है कि जो बुकलेट के जो आंसर है उसके लिए ओ एम आर सीट बनाई गई है तो छठवीं और नौवीं के लिए जो ओ एम आर सीट होगी उसको बच्चे ही भरेंगे बुकलेट से जो सही आंसर है सही आंसर को वो बुकलेट में भरते जाएंगे कक्षा तीसरी के लिए जो टेस्ट फॉर्म बुकलेट के जो आंसर है और ओ एम आर सीट है उसकी जानकारी एफ आई भरेंगे जिसके बारे में मुकेश सर ने भी आपको बता चुका है इसके अलावा आपको प्रत्येक स्कूल में चयनित स्कूल में और भी प्रश्नावलियाँ भरनी होंगी वो है पहला शिक्षक प्रश्नावली विद्यार्थी प्रश्नावली और स्कूल प्रश्नावली तो विद्यार्थी प्रश्नावली में कक्षा तीसरी में वो बच्चों को एक एक बच्चों को बुलाकर एफआई प्रश्नों को बताएगा और प्रश्नों के आधार पर जो उत्तर देंगे उसके आधार पर एफआई जो है वो एम आर सेम सीट में टीक लगाएंगे कक्षा छठवीं और कक्षा नौवीं में जो जो विद्यार्थी प्रश्नावली है उसके प्रश्नों को पढ़कर एफआई सुनाएगा और जो छठवीं और नौवीं के जो विद्यार्थी हैं वो ओ एम सीट में टीक लगाएंगे इसके अलावा टीचर प्रश्नावली होगी वो टीचर प्रश्नावली सभी टीचरों से नहीं भरानी है जो उस क्लास को पढ़ाता है जैसे कि मान लो अगर कक्षा तीसरी में अगर हिंदी कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो हिंदी के हिंदी के लिए टीचर प्रश्नावली भरेगा अगर गणित पढ़ाता है तो गणित के लिए प्रश्नावली भरेगा यदि किसी स्कूल में एक ही तीनों विषय को एक ही शिक्षक पढ़ा रहा है तो एक ही प्रश्नावली भरेंगे यदि किसी स्कूल में एक तीनों विषय को दो टीचर पढ़ा रहे हैं तो दो टीचर ही भरेंगे अगर तीन पढ़ा रहे हैं तो तीनों तीनों टीचर पृथक पृथक भरेंगे इसी तरह हम देखेंगे एस क्यू विद्यालय प्रश्नावली ये विद्यालय प्रश्नावली को भरने का कार्य वहाँ के जो प्रधान पाठक होंगे या प्रिंसिपल होंगे प्राचार्य होंगे वो भरेंगे सपोज़ यदि प्राचार्य या प्रधान पाठक उस दिन नहीं हैं तो वहाँ का जो सीनियर जो टीचर है वो उस प्रश्नावली को भरेगा इतने सारे काम कराने के पश्चात सभी सामग्री को अच्छे से पैक करना है और पैक दो प्रकार के पैकेट बनेंगे आपका एक यूज सामग्री और एक अनयूज सामग्री एक ही पैकेट में आपको आ, बुकलेट बुकलेट के अलावा जो आपके बुकलेट की जो ओ एम आर सीट है वो और पी क्यू और पी क्यू और एस क्यू की जो ओ एम आर सीट है उसको एक पैकेट बनाना है और जो दूसरा पैकेट जो होगा उस पैकेट में आपको अनयूज सामग्री जिसमें कि बुकलेट है सारी बुकलेट तीस बच्चे तो तीस बुकलेट और जो भी सामग्री है टीचर क्वेश्चन आयर पी क्वेश्चन आयर सारे क्वेश्चन आयर को, को दूसरे अनयूज पैकेट में आपको रखना है पैकेट को किस तरह से आपको बनाना है इसकी जानकारी आपको मुकेश सर दे रहे हैं जी मैडम आपने जैसा बताया कि सर्व सर्वेक्षण सामग्री का पैकेजिंग किस प्रकार से होगा ऑपरेशन किस प्रकार से होगा उनको समुचित तरीके से पैक करना है तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे अभी और यहाँ पर जब हम एफ के दायित्वों की बात कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि ओ शीट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है तो वो किसी भी परिस्थिति में मोड़ा ना जाए हमको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि बच्चों के द्वारा या एफ के द्वारा वो ओ एम आर ना मोड़े ना ही वो किसी प्रकार से उसमें कोई क्षति पहुँचे तो ये कार्य एफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ओ एम आर का पूरा पूरा ध्यान रखें उसके बाद जो सर्वेक्षण कार्य है और उससे संबंधित जो भी कार्य हैं वो स्कूल में तय समय अनुसार ही पूरा करें कोई भी कार्य अगले दिवस के लिए या अगले कुछ समय के लिए ना करें उस कार्य को सर्वेक्षण कार्य को उसी दिन पूरा करके सीबीएसई द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर को सौंपा जाना है ताकि वो आरसीसी सेंटर तक पहुंचा सकें आइए जान लेते हैं कि विद्यार्थियों के लिए बैठक व्यवस्था और टेस्ट फॉर्म वितरण किस प्रकार होगा जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में कक्षा तीसरी की बैठक व्यवस्था दिखाई गई है कि पहले स्टूडेंट को 31 नंबर का दूसरे को 32 नंबर का टेस्ट फॉर्म तीसरे को 33, चौथे को 34 और पांचवे को 35 और छठवे को 36 नंबर का टेस्ट फॉर्म मिलेगा उसके बाद जो अगला नंबर होगा वो फिर से रिपीट होगा उसको 31 नंबर का या सातवें सातवें नंबर का जो स्टूडेंट है उसे फिर से इकतीस नंबर का फॉर्म मिलेगा बैठक व्यवस्था इस तरह से करे कि दो बच्चों को एक समान पास पास एक जैसा बुकलेट ना मिले इसी तरह से हम कक्षा छह के लिए भी करेंगे सेम वही बैठक व्यवस्था है जिस तरह से कक्षा तीसरे के लिए थी कि आ, पहले स्टूडेंट को 61 नंबर का टेस्ट फॉर्म मिलेगा दूसरे को 62 तीसरे को 63 और चौथे को 64 पांचवे को 65, छठवे को 66 नंबर का टेस्ट फॉर्म मिलेगा और सातवें को फिर से रिपीट हो जाएगा 61 का, नंबर का टेस्ट फॉर्म मिलेगा कक्षा 9वीं में 9वीं की भी आठ व्यवस्था भी सेम तीसरी और छठवीं की तरह ही होगी आ, कक्षा 9वीं में कुल आठ टेस्ट फॉर्म होंगे या आठ बुकलेट होंगे और जो पहला विद्यार्थी होगा उसको 91 92 93 94 95 96 और 97 और 98 क्रमशः वितरित करना है उसके बाद जो नौवा बच्चा होगा उससे फिर से 91, 92 इस तरह से हमें आगे बढ़ते हुए आ, बुकलेट का वितरण करना है इसमें एक बात विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर स्कूल पहले में 96 पर अगर 30 बच्चा है तीसवें बच्चे पर 96 टेस्ट फॉर्म खत्म हुआ है तो दूसरे स्कूल में वो नाइन्टी से स्टार्ट होगा पहले बच्चे को नाइन्टी से स्टार्ट होगा परंतु इसे हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी आपको जो पैकेट मिला होगा उस पैकेट में ऑलरेडी इसी तरह से जमा होगा आपको पैकेट के जो क्वेश्चन पेपर है उसको किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं करना है क्रमशः क्रमशः आपको प्रत्येक विद्यार्थी को बांटते हुए आगे चलना है आइए हम आगे बढ़ते हैं सर्वेक्षण कार्य जब पूर्ण हो जाए अर्थात जब छात्र अचीवमेंट टेस्ट दे दें तो उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है एफ के लिए और वो होता है पैकेजिंग की सर्वेक्षण सामग्री को किस प्रकार पैक किया जाए सील किया जाए और उनको डिस्पैच किया जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है सर्वेक्षण कार्य जब पूर्ण हो जाए तब आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी ओ एम शीट प्राप्त करें विद्यार्थियों से और उनकी गिनती कर लें कि आपने कितने सीट उनको दिए थे और वो पुनः प्राप्त हुए हैं या नहीं पैकेट में कितनी ओ एम आर शीट प्राप्त हुई थी वो सारी गिनती करके रख लें उसके बाद आप जब ओ एम आर शीट को या सर्वेक्षण कार्य के लिए जो सामग्री प्राप्त हुई थी उसमें आप देखेंगे कि स्कूल क्वेश्चन बैग के साथ ओ एम आर रिटर्न बैग का एक लिफाफा आपको मिलेगा उस लिफाफे में आपको अचीवमेंट टेस्ट पीपल क्वेश्चन स्कूल क्वेश्चन टीचर क्वेश्चन आयर कि भरी हुई ओ एम आर शीट ध्यान दीजिएगा भरी हुई ओ एम आर शीट को इसके साथ ही कंट्रोल शीट जो इसके जिसे एफ आई और ऑब्जर्वर भर भरेंगे साथ ही मॉनिटरिंग प्रोफार्मा होगा निगरानी प्रोफार्मा और फील्ड नोट्स ये सभी उस ओमा रिटर्न बैग में भरा जाएगा यहाँ पर ध्यान यह भी देना है कि जितने भी ओ एम आर सीट्स हैं जो भरी हुई हैं उनको एक शीट एक ही बैग में रखना है और उनको उसी स्कूल में ही सील करना है तो एक स्कूल के लिए ओ एम आर शीट की इस बैग में रखना है आपको सभी भरी हुई ओ एम आर शीट को पैक करने के बाद टीच अचीवमेंट टेस्ट पीपल क्वेश्चनर, टीचर क्वेश्चनर, स्कूल क्वेश्चनर के बुकलेट्स चाहे वो प्रयुक्त हुए हों या अप्रयुक्त हों उन सभी को एक पैकेट में बंद करना है पैक करना है जिसमें वो मूल रूप से आपको मिले थे उनमें पैक करने के बाद उन्हें आप टेप से सील कर दें सील करने के बाद और एक पैकेट जो पहले बना था जो ओ एम आर रिटर्न बैग था इन दोनों को एक साथ पैकेट करके फिर से पुनः पैक कर दें और सी द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर को सौंप दें एफ और ऑब्जर्वर यहाँ पर यह ध्यान रखें कि स्कूल में किसी भी प्रकार की सर्वेक्षण सामग्री न छूटे इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए जितने भी पैकेट्स बनेंगे उसको आप चित्र के माध्यम से इस प्रकार समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कितने पैकेट बनेंगे और कैसे सील होगा सामान्य भाषा में एक यूज होगा पैकेट होगा जिसमें भरी हुई ओ एम आर शीट रखी जाएगी अचीवमेंट टेस्ट पीपल क्वेश्चन टीचर क्वेश्चन स्कूल इस्कूल क्वेश्चन कंट्रोल शीट मॉनिटरिंग परफॉर्मा फील्ड नोट्स ये सारी भरी हुई के लिए एक अलग से पैकेट बनेगा और जितनी बाकी बच गई सामग्रियाँ होंगी उनके लिए एक अलग पैकेट बनेगा और ये दोनों कंबाइन होकर एक पैकेट के अंदर जाकर सील करना होगा तो इस तरह से आप इस चित्र में सारी चीजों को देख सकते हैं पैकेजिंग और के बाद आइए अब कुछ महत्वपूर्ण अनुलग्नक के ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या होता है सबसे पहले हम लोग आते हैं सैंपलिंग प्रोसीजर तो ऐसे विद्यालय जहां पर किसी कक्षा के एक से अधिक सेक्शन हो तो उन स्कूलों में उन कौन सी कक्षा को हम सर्वे कार्य के लिए लेंगे इसका चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है तो इसके लिए हमको एक रैंडम नंबर की आवश्यकता होती है और रैंडम नंबर निकालने के लिए आपको उस स्कूल का पिन कोड पता होना चाहिए तो पिन कोड आपको पता होगा तो पिन कोड जैसे यहाँ मैं एक उदाहरण से आपको स्पष्ट करूँ कि मान लीजिए आपके स्कूल का पिन कोड है एक एक शून्य शून्य नौ सात तो ये पिन कोड के सभी अंकों को आपस में आप जोड़ते जाएं और तब तक जोड़ें जब तक एक अंक की कोई संख्या ना मिल जाए तो इस उदाहरण में सभी अंकों को जोड़ेंगे तो अट्ठारह आएगा और अट्ठारह को फिर से पुनः जोड़ेंगे एक और आठ को तो ये नौ मिलता है तो इस प्रकार से ये एक रैंडम नंबर हमको प्राप्त होता है अब रैंडम नंबर प्राप्त होने के बाद दिए गए चित्र के अनुसार आपको स्टेप लेना है जैसे जा, मान लीजिए यहाँ पर तीन सेक्शन हैं सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी तो 9 आया हमारा रैंडम नंबर उसी स्थिति में सेक्शन ए से शुरू करते हुए पहले स्टेप में जाएंगे सेक्शन बी फिर दूसरे स्टेप में जाएंगे सेक्शन सी फिर तीसरे स्टेप में जाएंगे सेक्शन ए चौथे में बी आ गए फिर पांचवे स्टेप में सी तो इस तरह से नौवा स्टेप जो है सेक्शन ए पे आके रुकता है तो इस तरह से हम उस स्कूल के सेक्शन ए का चयन करेंगे और उस सेक्शन ए में पढ़ने वाले छात्रों का हम इस सर्वेक्षण कार्य में चयन करेंगे अब जब सेक्शन ए का चयन कर लिया जाता है तो उसके बाद हमारा महत्वपूर्ण कार्य होता है बच्चों का चयन करना बच्चों का चयन करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उस कक्षा में अगर 30 से कम विद्यार्थी हैं तो इस प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी लेकिन अगर 30 से अधिक हैं छात्र तो हमको छात्रों के चयन की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम निम्न सूत्र का उपयोग करेंगे जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं सैम्पलिंग इंटरवल बराबर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन सैम्पल सेक्शन इन द स्कूल और इसको हम भाग देते हैं तीस से मतलब ये कि इसके पहले जो स्टेप में हम लोगों ने सेक्शन ए को सेलेक्ट किया था उस सेक्शन में कितने छात्र हैं कितने छात्रों का दर संख्या है उसको हम तीस से भाग देंगे इस उदाहरण में मान लीजिए कि आपके विद्यालय उस कक्षा में अंठावन छात्र हैं तो उसको हम ३० से भाग देंगे तो ये उत्तर हमको प्राप्त होगा एक दशमलव नौ तीन तो जिसको हम निकटतम हम राउंड कर देंगे तो ये दो संख्या प्राप्त होगी उसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर किसी कक्षा में चौवालीस विद्यार्थी हैं तो चौवालीस को जब हम तीस से भाग देते हैं तो ये संख्या प्राप्त होती है एक चार छः तो इसको हम राउंड करेंगे एक पर ऐसा गणित के नियम के तहत होता है आप जानते हैं यदि दशमलव के बाद का मान शून्य दशमलव पांच से अधिक या उसके बराबर है तो उसे अगले पूर्ण पौंड में पूर्णांकित किया जाता है तो इस तरह से हम इसको पूर्णांकित करेंगे यहाँ पर एक टेबल के रूप में आपको दिया गया है कि विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी तो सैंपल इंटरवल या नमूना अंतराल क्या होगा तीस तक हो हम चौवालीस तक अगर होता है तो वो एक आएगा 45 से चौहत्तर तक दो आएगा और पचहत्तर से ऊपर जब रहेगा तो वो तीन आएगा तो ये जब हम संख्या प्राप्त कर लेते हैं सैम्पल इंटरवल और पहले विधि में हम लोगों ने प्राप्त किया रैंडम नंबर तो जब ये प्राप्त हो जाता है तो विद्यार्थियों को भी उनकी आईडी एक उपलब्ध करानी होती है तो वो कैसे होता है इस चीज को हम आगे समझते हैं अब हम ये देखते हैं कि मान लीजिए आपकी कक्षा में अंठावन छात्र हैं तो उस स्थिति में हम कौन से छात्र को पहला आईडी देंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है तो जैसा हम पिन कोड लिए थे और उसको उसके अंकों को जब जोड़े थे तो एक अंक की संख्या प्राप्त हुई थी नौ तो जो छात्र का वास्तविक एनरोलमेंट नंबर होगा वास्तविक रोल नंबर होगा तो उसमें से जो नौवा रोल नंबर है उसको हम विद्यार्थी एक मानेंगे और एक मानने के बाद अंठावन की स्थिति में जो सैंपल इंटरवल आया था दो तो नौ में फिर दो जोड़ेंगे तो ग्यारह आया ग्यारह में फिर दो जोड़ेंगे तो तेरह आया तेरह में फिर दो जोड़ेंगे तो पंद्रह आया तो ये क्रम आगे बढ़ता रहेगा और तब तक बढ़ेगा जब तक हम 30 विद्यार्थी को सेलेक्ट न कर ले तो इस तरह से ये संक्रम आगे बढ़ता रहेगा जैसा आप इसमें देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए ये नौ रैंडम स्टार्ट है नौ इसमें हम लोगों ने दो जोड़ दिया तो ग्यारवा नंबर का जो विद्यार्थी पहले हम नौवे नंबर के विद्यार्थी को एक संख्या दे दिए तो उसका आईडी हो जाएगा एक उसके बाद ग्यारह फिर तेरह पंद्रह सत्रह उन्नीस इस तरह से ये क्रम आगे बढ़ता रहेगा लेकिन अगर कोई छात्र उस दिन अनुपस्थित रहा सर्वेक्षण के दिन अगर कोई छात्र अनुपस्थित है तो हम क्या करें ऐसी स्थिति में उसके तुरंत बाद वाले रोल नंबर के छात्र को हम ले लेंगे लेकिन जो प्रक्रिया है वो कहीं पर भी बाधित नहीं होगी मतलब ये कि अगर तेरह रोल नंबर वाला विद्यार्थी उस दिन अनुपस्थित है तो हम चौदह रोल नंबर वाले को ले लेंगे और उसके बाद पंद्रह जो रोल नंबर वाला विद्यार्थी है उसका भी चयन किया जाएगा यहां पर यह ध्यान देना है कि ये चौदह के बाद फिर आपको दो जोड़ने की आवश्यकता नहीं है बल्कि तेरह के बाद दो जोड़ना है फिर पंद्रह मिलेगा पंद्रह के बाद फिर दो जोड़ना है सत्रह मिलेगा तो ये जो निश्चित क्रम है ये वैसा का वैसा ही रहेगा अनुपस्थित होने वाले छात्रों की स्थिति में उसके अगले छात्र को हम विद्यार्थी ले लेंगे तो ये क्रम बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना है और इसको करने के लिए आप रफ पेपर का यूज कर सकते हैं साथ ही साथ आपको जब नमूना पत्रक भरने की जानकारी मिलेगी तो उसमें भी नीचे जगह दिया हुआ है वहां पर आप ये कैलकुलेशन वर्क कर सकते हैं तो नमूना पत्रक कब भरना है इस चीज को समझते हैं नमूना पत्रक आपको तभी भरना है जब किसी कक्षा में 30 या 30 से अधिक विद्यार्थी हो अगर 30 से कम अग... विद्यार्थी हैं, तो उस स्थिति में आपको ये प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है सीधा सीधा सभी बच्चों को हम कक्षा का जो रोल नंबर है उसी में विद्यार्थी आईडी आवंटित कर देंगे और उनको सर्वेक्षण कार्य में दे देंगे लेकिन अगर विद्यार्थी ज्यादा है तीस से ज्यादा है तो हम ये सैम्पलिंग प्रोसेस करेंगे और उसके बाद उनकी जानकारी इस नमूना पत्रक में इस प्रकार से भरेंगे तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा रोल नंबर तो मान लीजिए कक्षा का रोल नंबर यहाँ पर जो नौ है तो नौ लिखेंगे लेकिन उसका विद्यार्थी आईडी एक हो जाएगा तो इस तरह से हम यहां पर भरेंगे क्रम संख्या को रोल नंबर ना समझे ये क्रम संख्या अलग है यहां पर कक्षा रोल नंबर जो स्कूल के रजिस्टर में जो रोल नंबर रहेगा उसको अंकित करना है और यहां पर फिर उस विद्यार्थी को हम यहां पर आईडी उपलब्ध करा रहे हैं जैसा नौ तो वो आईडी हो गया एक ग्यारह तो आईडी हो गया दो तेरह तो आईडी हो गया तीन इस प्रकार से ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो ये होने के बाद आ, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंट्रोल सीट क्या होता है कंट्रोल शीट आप जानते हैं कि एफ और ऑब्जर्वर के द्वारा भरा जाएगा तो इसमें बहुत सावधानी पूर्वक आप आ, जानकारियों को दर्ज करें क्योंकि ये ओ एम शीट की तरह है तो इसमें आप देखिए यहां पर स्टूडेंट आईडी लिखा है अब ये स्टूडेंट आईडी वो आईडी है जो हम लोगों ने अभी इनको दिया है यहाँ पर किसी प्रकार का कोई अलग से आईडी ना समझे कि अपार आईडी डालना है या बच्चों का परमानेंट आईडी बना हुआ है वो डालना है ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर अभी जो आईडी है बन रहा है बन रहा है तो वो डालना है और आई बहुत सिंपल है एक दो तीन जो क्रम ही है वही रहता है उसके बाद 80 बुकलेट नंबर 80 बुकलेट मतलब बुकलेट नंबर मतलब ये कि अचीवमेंट टेस्ट बुकलेट नंबर जो रहेगा उसको दर्ज किया जाना है फिर क्वेश्चन बुकलेट नंबर है पीपल क्वेश्चन है और बुकलेट सेट कौन सा मिला है जैसे बैठक व्यवस्था में आपने जाना 31 32 33 ऐसा करके रहेगा तो उसको डालना है फिर उसके बाद यहाँ पर उस स्टूडेंट को क्या नाम है और उसका एक्चुअल रोल नंबर क्या है उस स्कूल में उस बच्चे के रजिस्टर में क्या रोल नंबर है वो दर्ज करना है तो इस तरह से ये कॉलम रहेगा फिर यहाँ पर आप देखते हैं टी क्यू है टीचर क्वेश्चन का बुकलेट नंबर आपको अलग अलग दिया हुआ है और नीचे है क्वेश्चन स्कूल क्वेश्चन बुकलेट नंबर तो स्कूल क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी दर्ज किया जाना है यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सैंपल तो कितने विद्यार्थी इस सर्वेक्षण कार्य में आपने पार्टिसिपेट किया है उनकी संख्या आपको यहाँ पर देनी होगी फिर टेस्ट स्टार्ट टाइम और टेस्ट एंड टाइम का यहाँ पर बताना होगा साथ ही साथ ऑब्जर्वर का नाम और सिग्नेचर फील्ड इन्वेस्टिगेटर का नाम और सिग्नेचर और स्कूल के प्रधान पाठक या प्राचारी का नाम और सिग्नेचर लेना ना भूलें उसके बाद हम आते हैं अचीवमेंट टेस्ट बुकलेट पे ये है टी अचीवमेंट टेस्ट ओ एम आर शीट जो आएगा तो इसको हम किस प्रकार से भरें इसमें भी बहुत सावधानी की आवश्यकता है सबसे पहले तो जैसा हम लोगों ने पहले भी बताया कि बच्चों के साथ तालमेल स्थापित करके कार्य करें ताकि बच्चा अच्छे से आंसर को दे पाए ओ एम आर शीट में ट्रूटियाँ ना करें अचीवमेंट टेस्ट में देखिए जो भी जानकारी दी जा रही है उसको दर्ज करें और आगे बढ़ें तो इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है बस ध्यान रखें कि इसमें स्टूडेंट का भी सिग्नेचर और नाम यहाँ पर दर्ज किया जाना है तभी छात्र यहाँ पर साइन करेंगे अपने अपने ओ एम आर शीट में उसके बाद है पेपल क्वेश्चन तो इसमें भी आप ये देखिए कि ये क्यों है क्यों इसकी महत्व महत्वपूर्ण क्यों है ये चीज तो ये पेपल की साम बच्चों की सामान्य जानकारी इकट्ठा करने के लिए है और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में ही सारी एंट्रीज की जानी है तो इसका भी ध्यान रखना है यहाँ आपको पीपल क्वेश्चन आयर में यहाँ पर सैंपल से, सेक्शन कौन सा लिया गया है जैसा अभी हम लोगों ने सैंपल सैंपलिंग प्रोसेस किया कौन सा सेक्शन को आपने चूज किया है वो लिख कर फिर संबंधित सेक्शन पे सर्कल करना है उसके बाद अगर बच्चा पी यानी वनरेबल ट्राइबल ग्रुप को बिलोंग करता है विशेष पिछड़ी जनजाति जिसे हम कहते हैं अगर उसमें से बिलोंग करता है तो उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है फिर यहाँ पर पेपल क्वेश्चन आएंगे उसको दर्ज करना होगा और इसी प्रकार से टीचर क्वेश्चन है तो टीचर क्वेश्चन में भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो टीचर जिस विषय को पढ़ा रहा है उसका वो कोड जाने और वैसा दर्ज करे अगर कोई भाषा पढ़ा रहा है तो वो एक दर्ज करे मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है या गणित पढ़ा रहा है तो दो दर्ज करे वर्ल्ड अराउंड या साइंस पढ़ा रहा है तो तीन सामाजिक विज्ञान के लिए चार और एक से अधिक विषय अगर पढ़ा रहा है तो वहां पर वो पांच दर्ज करें यहाँ पर भी सामान्य जानकारियां दी गई हैं तो इस प्रकार से ये जानकारी आप वहां पर दर्ज करेंगे यहां पर ध्यान दीजिएगा कि नेशनल टीचर कोड अगर उपलब्ध है तो भरे अन्यथा खाली रहने दें नहीं है तो कुछ भी न भरे और अंत में आते हैं स्कूल क्वेश्चने तो ये स्कूल क्वेश्चने भी प्रधान पाठक द्वारा भरा जाना है इसके पहले शिक्षक टीचर क्वेश्चन जो था उसको हर विषय के शिक्षक क्वेश्चन पार्टिसिपेट किए उस सर्वेक्षण कार्य में तो ये स्कूल का रेस्पॉन्स है इसको भरा जाना है परख एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जिसकी सफलता सबकी सामूहिक जवाबदारी और निष्ठापूर्वक कार्य करने से ही है इसमें स्कूलों के विद्यालय प्रमुख और शिक्षकों की भी बड़ी भूमिका है आइए हम जान लेते हैं कि इस सर्वेक्षण कार्य में विद्यालय प्रमुख और स्कूल के शिक्षक किस प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करेंगे आइए देखते हैं विद्यालय प्रमुख एवं शिक्षक का दायित्व निर्धारित समय एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप सर्वेक्षण कराना सर्वेक्षण के दिन छात्रों एवं शिक्षकों सि... की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करना परीक्षा कक्ष में पानी प्रकाश एवं छात्रों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए साथ ही परीक्षा कक्ष हवादार हो इस चीज़ का भी अवश्य ध्यान रखें विद्यालय प्रमुख एवं शिक्षक इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि सर्वेक्षण से पूर्व छात्रों द्वारा प्रश्न पत्र एवं ओ एम आर सीट भरवाने का अभ्यास जरूर करवाएं। छात्रों हेतु अतिरिक्त बॉल पेन काला या नीला इसकी व्यवस्था भी होनी आवश्यक है प्रधान अध्यापक द्वारा स्कूल प्रश्नवली एवं शिक्षकों के द्वारा शिक्षक प्रश्नवली भी पूर्ण करना अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय प्रमुख ध्यान कि इन्वेस्टिगेटर, सीबीएसई पर्यवेक्षक से समुचित सहयोग एवं समन्वय स्थापित करे साथ ही इस बात का अवश्य ध्यान दे कि सर्वेक्षण निष्पक्ष पारदर्शी एवं सहज दृष्टिकोण से संपन्न हो तो साथियों इस प्रकार हमने जाना कि किस तरह से हमें इस परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करना है और इस कार्यक्रम में हमारे दायित्व क्या होंगे और हम किस प्रकार से अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करेंगे आ, आप लोग ये पूरी प्रक्रिया जो यहाँ से बताई गई है उसे अच्छे से समझ गए होंगे और उम्मीद करते हैं कि जब परख कार्यक्रम राष्ट्रीय सर्वेक्षण का कार्यक्रम चार दिसंबर को आयोजित किया जाएगा उस समय आप सफलतापूर्वक और पूरी निष्ठा के साथ इस कार्यक्रम में सहभागी बनेंगे और हमारे विद्यार्थियों का एक सही मूल्यांकन होगा और उनकी दक्षताओं का हम आकलन कर पाएंगे तो इसी उम्मीद के साथ हम आज इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले कार्य दिन के लिए आप सभी का दिन शुभ हो धन्यवाद जय हिंद जय जो